الحبيبي الحبيبي وله وله الحبيبي الحبيبي. ايه क्या बोलती खबीस की बच्ची, हंत मेरा दुबई का 10 साल खराजल बर्बाद। तो कहां से आ गए बे? इका भगा 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 भगा। अबे रुको, का पूरा नाम सुन ले। अबे अपना पूरा नाम तो बताओ। अबे का नाम ना इतिहास का पन्ना है, नाम ना ले। अरे हमें शुरू होएगा वाल खरासल बर्बाद अल जरबातुल जरबात अल खरासल बिरयानी अल साइकिल सवाल अल करात अल बर्बाद अल ललातुल बलबाल बलहाली दो बलबलैया मच्छर। अबे यार घास काटे ना दे, अब बहन के अब्बू भेजे ने ना तो तुम्हें ऐसा होती कि पूरा इंडिया का लोग ऐसा होते खबीस के बच्चे। अरे हम दुबई से मेहमान इंडिया में आती, तुम हमको चाय पानी कराने के बजाय जूता से मारती। हम तुमसे इतनी मोहब्बत करती कि हम तुम्हारे लिए दुबई से खजूर लेके आते। तेरी माँ की उल्टा चश्मा, दुबई में छोड़, इंडिया में हमको परेशान करती खबीज की बच्ची। तेरी खजूर के पेड़ से खजूर नहीं गिरती, चूटा इधर गिर जाती खबीस की बच्ची। हट खबीस की बच्ची, हट खबीस की बच्ची, भागती नहीं। अरे यार हम दुबई से आती तुमसे मिलने तुम्हारे गांव घूमने, तुम हमको देख के भागती, ये लेती खजूर खाती, बल्कि अब्बा को देती बल्कि अम्मा को देती, चलती तुम्हारे गांव घूमती। यार ये इंडिया के लोग कभी नहीं सुधरती, हर चीज के लिए मारा मारा करती खबीस की बच्चे। मार सलमान मा, कोई नहीं मार, मार कोई नहीं मार, मार पेट में मार, पीछे से पोतड़ा दड़ा निकला तेरी। अभी भी तुमको कोई रास्ता में तकलीफ तो नहीं होती? नहीं नहीं, रास्ता में तकलीफ तो नहीं होती, ये हर एरोप्लेन जो उड़ती ना वो रास्ता खराब होने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस होती, वो तो हमारे ओम टीका थी लेकिन थोड़ा कंट्रोल हो गई, उल्टी होती हमको लेकिन रास्ता खराब होती ना इसीलिए अंदर का खाना बाहर आ जाती, तो ठीक है कंट्रोल होती। हबीबी इंडिया तुमको कितना अच्छा लगती? इधर कोई हकती क्या, साला बदबू मारती खबीज की बच्ची। यह तो तुम हक लेती, हमारे दुबई में हक दी तो सरकारी मोहर लगा के तुम्हारा चूतड़ा ही बंद कर देती खबीज की बच्ची। न जाने कैसे कैसे लोग होती, साला खुले में हकती। हम लोग हकती तुमको क्या करती? हकती भाई ये गली होती कि नाक का सुराख होती, हेलीकॉप्टर बुलाती तुम्हारे लिए। हे खबीज की बच्ची, हेलीकॉप्टर कहाँ, तुम्हारा बाप लाती। खबीज की बच्ची मर जाती, छोड़ती छोड़ती तेरी, मर जाती, अरे मर जाती, अबे कौरवा, अरे मर जाती खबीज की बच्ची। दीवार में क्यों लड़ाती, दीवार में क्यों लड़ाती, तुम काम खराब कर देती, चुप रहती। अरे अरे हम मजरा के बीजा में तुम्हारी मारती, तुम हमारी यहाँ इंडिया में क्यों मारती रे खबीज की बच्ची, अरे हमारे खोपड़ा फोड़ देती, अरे मार देती, तुम्हारा हवाई जहाज हमारा मुंबई में होती खबीज की बच्ची। तुम जितना हम तुम्हारी दुबई में मारती तुमने अपने एक घंटा में हमको मार देती खबीज की बच्ची। यार तुम दोनों जितना हमको परेशान कर दी, यार हम पूरे साल भर इतना परेशान नहीं होते। परेशान करती हबीबी, ये तो हमारा प्यार होती। अरे प्यार होती इसमें हम मर जाती तो। नहीं नहीं हबीबी ऐसा नहीं बोलती, हमको बहुत तकलीफ होती। अरे बाबा क्रिकेट होती, अरे बेटा हमारा भी क्रिकेट कराती उधर, हटती बेटा बैठ दे। चल बेटा बॉल करा। सुन बे, हाँ बड़के अम्मा घर में गेदा जाई तय लई बे, बड़के अब्बा जाई घर में गेदा तय लई बे, नहर में जाई तब तय लई बे, अहिराई 3.5 रुपए दंड देख चले जाए, नहीं सोनिक बिस्कुट देख चले जाए। जा खबीस की बच्ची, अगर गेदा हराती तुम्हारे मुंह पे एक सोने का बिस्किट यूं मारती खबीस की बच्चे, और ऐसा ऐसा गेदा 10 आती, चल बोल कर आती खबीस की बच्ची। मैं कमेंटेटर अब्दुल जब्बार, बॉलिंग मार पे खौरावास और स्ट्राइक पर होंगे शेख अल हबीबी अल बर्बाद अल, खैर कौन नाम लेना चाहेगा, इतिहास का पन्ना है। पिछली गेट पे सम्मान दर्शकों का भरपूर मिला जूतों से, अगली गेट पर लाभ दर्शक का जूता खा। न जाने कितने जूते खा कर ये आदमी अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद है। अभी भी
बचा रहे। ए खबीज की बच्ची, हम सेफ्टी शूज भी दुबई से लेके आती, ये देखती अब बगैर सेफ्टी शूज के खेलती। खबरावा का निशाना कहीं और है, स्टंप नहीं तो फिर से बहुत अच्छी गेट हवा में जरूर है, तो रन ले रहे हैं अभी भी। अभी रन लेना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, जुप्पा लेके पहन के दौड़ना बड़ा भारी पड़ रहा है शेख अल बरबाटुल। खैर नाम कौन लेगा, इतिहास का पन्ना है। स्कोर जा पहुंचा है शेख अल हबीबी का। जिस तरह दर्शकों के जूते बरस रहे हैं, इस तरह बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। ये देखो डंगरावा का एक्शन, ये देखो मलिंगा से कम थोड़ी है एक्शन, देखो इसका बढ़िया गेट। अगर एडिटिंग नहीं करता सब गेट पीट के बाहर ही गिरती। बढ़िया गेट, बड़की अम्मा के घर में गेटा। जा जान की रहमत भाई, चारों करे जाओ अभी भी जा, बड़की अम्मा घर में से गेदा वाले क्या वजह। अरे हाँ जानती, गेदा बड़की अम्मा के घर में चली जाती। तुम्हारी बड़की अम्मा हमारे नाम पे गेदा देती खबीज के बच्चे। अगर गेदा नहीं देती तो सोने का बिस्किट उनके मुंह पे मारती और गेदा लेके आती। बल्कि अम्मा तुम्हारे घर में हमारा गेदा आती, उसको हमको दे देती, हम तुमको दुबई से सोने का बिस्किट देती खबीज की बच्ची। आज मरी साला मरी आज। बड़की अम्मा क्या मारती खबीज की बच्ची, करेजा में मारती, मुंह का ही खून निकलती। कुंफू का मास्टर होती यार बड़की अम्मा, बड़ा बुरा मारती करेजा में। देख बेटा, बड़की अम्मा तो गेदा नहीं देती, लेकिन हम 2 महीने बाद दुबई जाती और तुम्हारे लिए सोने का बिस्किट बेचती। तुम सोने का बिस्किट बेच के 2000 गेदा खरीद। बेटा बात समझो, बड़की अब्बा वतन। दुबई में हमसे बहुत बकरी चरवाए है, बहुत खजूर तोड़वाए है, बहुत खेती बाड़ी करवाए, ऑफिस का नाम दे के साले तो हमसे बकरी चरवाए, ऊँट चरवाए, काव काव ना चरवाए, आज मौके पे मिले हैं। भाई साहब लड़की बड़ी खूबसूरत है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते क्या मुंह फाड़ शेयर करो। तो मुंह फाड़ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो यार, सपोर्ट चाहिए बस हक से।